ये हमारे पास कुछ ग्राफ है मिरर्स, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लगेगा, बट इसको भी हमको समझना ही कौन क्यों मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि कुछ पार्ट्स को समझना आपको कंपलसरी है। ये ग्राफ आपका यू और वी के बिटवीन है, जो आपको शायद बुक्स में देखोगे तो मिलेगा नहीं आपको कहीं पे। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है यू और बी के बिटवीन में, उसमें कई जगह हमको ऑब्जेक्ट को रियल लेके चलना है और इमेज को भी रियल लेके चलना है, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक तो रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। तो इसकी खास बात इस ग्राफ की क्या है कि दोनों को कवर करेगा, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सेम सिचुएशन आप इमेज के लिए बात कर सकते हो, इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो जो अदर ग्राफ से डिफरेंट है वो इसी बात के लिए है कि इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज को हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने एक ग्राफ पहले से रेडी रखा था, क्योंकि बड़ा ग्राफ है तो बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने रेडी करके रखा था। डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं, यू वी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस 0.0 दैट मींस ओरिजिन है, ठीक। उसके अलावा मैंने कुछ डॉटेड लाइन ड्रॉ की। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का रीजन मेरा क्या है कि ये जो बेसिकली डॉटेड लाइन कोई सी भी हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ये फोकस की वैल्यू को शो कर रही है। यहां से इसके फोकल लेंथ की वैल्यू को शो कर रही है, जितना भी उस लेंस का फोकस होगा उतनी ये वैल्यू होगी। तो यहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है आप देख रहे हो, मैंने इस इंटरसेक्शन को नाम दिया है -f, -f। मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। तो मैंने दोनों को नेगेटिव का इंटरसेक्ट जहां पे हुआ है उसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे दिया -f, -f। दैट मींस कि ये दो फोकस हो गए इसके, और उस फोकस को टच कराते हुए जो लाइन जा रही है, मतलब उस फोकस की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है उसकी अराउंड जो लाइन आपने ड्रॉ की है, वो एक डॉटेड लाइन ये है और एक डॉटेड लाइन ये है। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, पहला सबसे पहले आपके पास मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसके साथ साथ पहले आपको वीडियो नंबर 3 में बोला था कि इसका डायग्राम टोटल 6 रे डायग्राम इसके आते हैं और 2 इसके आते हैं, तो टोटल 8 रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पे मैं देख रहा हूं कि अगर इन केस मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे तो इमेज कहां पहुंच जाती है बेटा, इनफिनिटी। आप यहां पे देखो कि जो लाइन ये ड्रॉ की गई है वो नियर अबाउट फोकस हो गई, वो नियर अबाउट फोकस। तो अगर यू फोकस पे हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रख दिया, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा बेटा, उसके इंफिनिटी। सही, उल्टा बोल दूं कि अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, उसके फोकस पे। तो इस लाइन को जैसे ही टच करने जा रहा है तुरंत वो पैरेलल हो जा रही है, दैट मींस पैरेलल का मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी पे जाके टच करेगी, बराबर। इंफिनिटी लाइन को शो करने के लिए हमने ये चीज दी है। अब इस लोकेशन में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दोनों कैसी होंगी, रियल। क्यों, क्योंकि फ्रंट में आपने ऑब्जेक्ट रखा, फ्रंट में उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, नेगेटिव। सही है, और दोनों का डायमेंशन कैसा हो गया, रियल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो ग्राफ है वो फोकस को जब टच कर रहा है दैट मींस वो इंफिनिटी को शो करने लगा। अगर वो इंफिनिटी को शो कर रहा है, यू अगर इंफिनिटी पे, तो इमेज का फॉर्म होगी फोकस पे। अगर उल्टा बोल दूं मैं कि इमेज अगर इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस पे। सही है, तो ये पार्ट हमारा डिस्कस हो गया जिसमें कि रियल और रियल होगा ऑब्जेक्ट भी और इमेज। अब इसके बाद आ जाते हैं इस वाले पार्ट को देखो, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है, दैट मींस वी हमारे पास पॉजिटिव होगा इसके ऊपर। वी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि इमेज कहीं बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। चार केसेस तो हमारे, पांच केसेस तो यहीं से यहीं निपट जाते हैं, फोकस सॉरी पोल से लेके इंफिनिटी तक आप ऑब्जेक्ट रखते हो उसको इसने कवर कर लिया। अब बचा हुआ हमारे पास एक केस है व्हेन ऑब्जेक्ट रेस्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस केस में हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर होती है, और इमेज का नेचर कैसा होता है बेटा, वर्चुअल। इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रियल। ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नेचर रियल, और इमेज कैसी फॉर्म हुई।
जैसे ही पहुंचेगा वो इमेज को कहां भेज देगा, एट इंफिनिटी। ठीक, अब एक पार्ट बचा हमारे ग्राफ का ये, इसमें आप देखो तो u पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिहाइंड द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर रखा हुआ है दैट मींस ये वर्चुअल हो गया भाइयों, ऑब्जेक्ट क्या रखा है वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो देखो तो आप नेगेटिव है, मतलब ओरिजिन के नीचे आ रहा है तो v क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर v नेगेटिव है दैट मींस इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेज कैसी होगी रियल, और ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल। तो ये बात हम लोगों ने की किसके लिए, कि हर तरह के प्रोसेस को हमने देखा, रियल ऑब्जेक्ट, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और ये कॉनकेव मिरर के केस में आपको ये ग्राफ जो है परफेक्ट देगा। इसके आगे आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देखो वही चीज है, यू और वी, सही है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ अगर आप ध्यान से याद होगा आपको तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम लोगों ने प्लस एफ कॉमा प्लस एफ लिख दिया, सही है। तो अगर दोनों को आपने प्लस लिख दिया तो यू क्या है पॉजिटिव, देखो ध्यान से u क्या है पॉजिटिव और v यहां पे क्या है पॉजिटिव, दैट मींस दोनों के दोनों कैसे हो गए भाई वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट पीछे रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज वर्चुअल। ये बात किसकी चल रही था, कॉन्वेक्स मिरर, सही है। अब यहां पे आ गए अपन लोग ओरिजिन 0, 0, बैक साइड में जाओ, बैक साइड में जाओगे तो u क्या हो जाएगा भाई हमारे पास नेगेटिव और v क्या है पॉजिटिव। u अगर नेगेटिव है दैट मींस ऑब्जेक्ट कैसा हो गया बेटा रियल, और इमेज कैसी फॉर्म करता है इस केस में आपको मालूम दो ही केस होते हैं इसके, और दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल है तो। इफ ऑब्जेक्ट इज रियल द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल, तो कोई दिक्कत नहीं। एक केस और हमारे पास बचा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल दैट मींस u हमारे पास आप देखोगे तो ओरिजिन से फ्रंट में आ रहा है दैट मींस ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इमेज कैसी फॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो इमेज कैसी फॉर्म कर रहा है बेटा रियल, क्योंकि ये नेगेटिव में मांग रहा था। अगर ये v नेगेटिव है दैट मींस फ्रंट में इमेज फॉर्म हो रही है, और फ्रंट में अगर इमेज फॉर्म होगी तो ये कैसी होगी बेटा रियल। तो दैट मींस मैंने ग्राफिकली आपको ये चीज समझाई है किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज हर एक फॉर्मेट हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, हर तरह के कॉम्बिनेशन पे हम लोगों ने काम किया। जो सिंपल ग्राफ होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होगा वो केवल ग्राफ बिटवीन 1/f = 1/b + 1/u, केवल इस इनवर्स वाले ग्राफ की जनरली लोग बात करते हैं जो कि आपके पास ये है। तो हम लोगों ने इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज पे बात किया जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग इसको डील कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रियल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल, इमेज वर्चुअल, ठीक है। फोकस की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको इंटरसेप्शन जो हुआ एक्सिस का उसको पॉजिटिव नेगेटिव का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, ये हम लोग लेंस में बात कर रहे हैं, पहले भी मिरर्स का डायग्राम आपके सामने होगा, मिरर्स के लिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसी टाइप का नेचर है। फिर से मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल और वर्चुअल हो सकता है, सेम आप बात करोगे इमेज के लिए, इमेज में भी रियल और वर्चुअल दोनों तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। u x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, v y एक्सिस के अलोंग, ये ओरिजिन 0, 0। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये पहले भी बात हुई थी कि डॉटेड लाइन जितनी भी है सब फोकस को रिप्रेजेंट कर रही है, और फोकस को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि जब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा बेटा एट द इंफिनिटी, ठीक है। तो सेम कांसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसको कोऑर्डिनेट अगर आप देना चाहोगे तो u जो है नेगेटिव एक्सिस में आपको दिख रहा है, v पॉजिटिव में दिख रहा है, दैट मींस इसका एक जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस ऑफ f होगा और एक कोऑर्डिनेट होगा प्लस ऑफ f, दैट मींस ये कॉन्वेक्स लेंस है।
अगर कॉन्वेक्स लेंस में आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास फोकस बेसिकली जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखोगे तो फोकस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, अगर आपने रिवर्स कर दिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हो तो यही फोकस क्या हो जाता है, नेगेटिव। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यू हमारे पास नेगेटिव, यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉजिटिव है, सही। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी जहाँ पे कि आप क्या बोलोगे, यू नेगेटिव दैट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया भाई, रियल। इमेज यहाँ पे कैसी हो, क्या पॉजिटिव है, वी की डायरेक्शन देखो आप पॉजिटिव में है, तो वी अगर यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म हो रही है ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये भी रियल है, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट, इस लोकेशन पे आप देखोगे रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके बाद ओरिजिन से मैं फ्रंट में आ जाता हूँ, ओरिजिन से फ्रंट में आता तो यू क्या है, पॉजिटिव। यू पॉजिटिव तब हो सकता है जबकि वर्चुअल हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, V भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, दैट मींस वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए अपन लोग, इस वाले पार्ट में ये देखो तो आपके पास U क्या है, नेगेटिव, और V भी क्या है, नेगेटिव, तो दोनों के दोनों फ्रंट में फॉर्म हो रहे हैं, दैट मींस हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव में है, दैट मींस यू यहाँ पे नेगेटिव और वी नेगेटिव, दोनों अगर नेगेटिव के फॉर्म में है तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर दोनों नेगेटिव के फॉर्म में है तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन में लाइट उसको पार करके ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करके आगे की तरफ इमेज का फॉर्मेशन करती है, अगर फ्रंट में इमेज फॉर्म कर रही है दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कैसी पॉसिबिलिटीज है, वो पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि इमेज यहाँ पे वर्चुअल होगी, तो ऑब्जेक्ट को मैं अगर बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल है लेकिन इमेज कैसी बेटा, वर्चुअल। बात समझ में आई क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल है लेकिन इमेज कैसी है, वर्चुअल, और ये सभी लाइनें फोकस को डिनोट कर रही है, जैसे ही फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तुरंत इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। सेम सिचुएशन यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी की आप बात करोगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, फिर से वही वी और यू एक्सिस, वी और यू एक्सिस को अगर आप देखोगे तो ये इस समय क्या शो कर रहा है भाई, यू नेगेटिव में है और वी भी नेगेटिव में है, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू हमारे पास माइनस एफ है। कॉनकेव लेंस को भी आप ध्यान से जानते होंगे, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई, इस टाइप की होती है, और इसको इन जनरल हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो U हमारे पास यहाँ पे आप देखो तो U पॉजिटिव है और V नेगेटिव है, तो अगर ये डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करता है तो इसका फोकस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, फ्रंट में आता है, अगर ये किसी और लेंस की तरफ बिहेव करे दैट मींस ऑब्जेक्ट आप इधर से दोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, दैट मींस फोकस यहाँ पे जो लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट प्लस एफ माइनस एफ आपने दिया। अब यू हमारे पास पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, और वी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होगा, दैट मींस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इमेज रियल, देखो सही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है भाई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यू पॉजिटिव और वी क्या यहाँ उल्टा नेगेटिव का काम कर रहा है, अगर यू पॉजिटिव और वी नेगेटिव का काम कर रहा है दैट मींस कि आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है और इमेज कैसी उल्टा रियल। अब इसके बाद आते हैं इस पार्ट पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, U और V अगर दोनों नेगेटिव है तो आप ध्यान से देखो इसको बोल सकते हो कि रियल ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज कैसी फॉर्म हो रही बेटा, बट इमेज शुड बी वर्चुअल क्योंकि रिफ्रैक्शन होना है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन वाले केस में आप सेम डायरेक्शन में दोनों होते थे तो रियल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्शन अगर सेम है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज कैसी बेटा, वर्चुअल। इस डायरेक्शन में चले जाओ तो वी पॉजिटिव हो गया, वी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, बिहाइंड द लेंस, और U हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, दोनों की दोनों डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पे फ्रंट में बैक में है, दैट मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑब्जेक्ट
जितनी डॉटेड लाइन है वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक फोकस को। और अगर फोकस की बात करें तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते ही इंफिनिटी में चला जाता है, या 2f पे ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो वो कैसा फॉर्म होगा, वो उसकी जिस पोजीशन पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और उससे आपको मिलना क्या है बेनिफिट, उससे बेनिफिट ये मिलना है कि दोनों का साइज सेम रहता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के ग्राफ थे, मिरर का भी ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया लेंस का। लेंस में दोनों तरह के लेंसेस कवर हो गए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा होती है कि रियल ऑब्जेक्ट ही इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, तो आप मेरे प्रीलिमिनरी से लेके यहां तक के वीडियो में देखोगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो वो भी एक इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखिए, समझिए, हम आपके लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। आपके वीडियो, आपको जो वीडियो दिख रहा होगा उसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी लॉकडाउन में कहीं ना कहीं से चीजें अरेंज करके आपको एक अच्छा और समझने वाला वीडियो देना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको घर बैठे क्लास का फील आए। कोशिश कर सकते हैं, फील तो क्लास का फील क्लास का ही होता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में थोड़ा आपको इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा होगा, जो कुछ भी लिखा होगा उसका रीजन है कि हमने कुछ ना कुछ काम किया होगा नो डाउट, और जिसकी वजह से भी ऐसा वीडियो आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके।